जो मजामा भाई लोग हिंदुस्तान बोले तो 28 स्टेट का अखंड लैंडमार्क। इस लैंडमार्क के सभी स्टेटों में अलग अलग भावलोक की हुकूमत चलती है। देखा जाए तो हर स्टेट में दो ऐसी गैंग्स मिलेंगी जो अपना वर्चस्व और दबदबा बनाने के वास्ते खून की नदियां बहाती होंगी। दिल्ली की ओर नजर करें तो वहाँ नीरज भवानिया, जितेंद्र गोगी, टिल्लू ताजपुरिया के खूनी अदावत के किस्से सुनने को मिलते हैं। मरुभूमि यानी राजस्थान की रेतीली मिट्टी पर आनंदपाल और राजू ठैठ की गैंग वॉर आज भी भोगाल मचा रहे ली। ऐसे ही हरियाणा, यूपी, बिहार, गुजरात, देश के कोने कोने में गैंग्स और गैंगस्टरों की दुश्मनी जारी है। रे मामा, ये रक्त चरित्र है और इसी रक्त चरित्र में एक पन्ना है पंजाब की खूनी जंग का। आजकल पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिया गैंग का खौफनाक रक्त चरित्र जारी है। लेकिन कुछ साल पहले पंजाब के रक्त चरित्र में दो अड़े भावलोक की खूनी गैंगोर चल रही थी, बोले तो विक्की गौंडर और सुखा कालो की। बाबा अक्का हिंदुस्तान जानता है कि सुखा और गौंडर एक समय के जिगरी यार थे। कहते हैं कि लवली बाबा की हत्या ने दोनों को बना दिया जानी दुश्मन। लेकिन एक सवाल आज भी वैसा का वैसा है कि लवली बाबा तो सुखा कालो का जिगरी यार था, फिर सुखा ने लवली बाबा को मारा गाय को। तो बिड़ू, आज की स्पेशल रिपोर्ट में इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, तो वीडियो को अक्का देखना मंगता। बीच में कल्टी मार लिया तो खोपड़ी का तार भी ढीला होएगा और कुछ समझ भी नहीं आएगा। ये कहानी शुरू हो ली साल 2008 से पहले। कहते हैं कि पंजाब यानी धक्कड़ खिलाड़ियों का गढ़ है। पंजाब से कई यंग छोकरे जमीन से उठकर रावस खिलाड़ी बने और देश का नाम रोशन किया। ऐसे खिलाड़ियों के वास्ते पंजाब के जलंधर में एक स्पोर्ट एकेडमी बनाई गई, बोले तो जलंधर स्पीड फंड एकेडमी, जहां पंजाब के कोने कोने से छोकरे स्पोर्ट में अपना हुनर आजमाने आते हैं। इसी एकेडमी में एक रिटायर सूबेदार का छोकरा नवप्रीत जी उर्फ लवली बाबा कोच के तौर पर यंग छोकरे लोग को ट्रेनिंग देने आता, जहां विक्की गौंडर, प्रेमा लाहौरिया और सुखा कालो प्रैक्टिस करने आते थे। और कुछ ही दिनों में लवली बाबा और विक्की गौंडर में यारी हो गई। वहीं सुखा और प्रेमा के साथ भी उसकी यारी हुई। बाद में लवली बाबा ने सुखा और विक्की गौंडर को मिलाया और देखते ही देखते इन लोगों का एक रावस ग्रुप बन गया। कहते हैं कि इन लोगों के जुड़ने से पहले इन लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड शुरू हो चुका था। वैसे तो इन सब का अपना अलग अलग गैंग था। सुखा की अलग गैंग थी, प्रेमा लाहौरिया की अलग गैंग थी, लेकिन विक्की गौंडर की कोई गैंग नहीं थी, उसका याराना चलता था। अभी इस कहानी को आगे बढ़ाने के वास्ते अपन को जाना पड़ेगा पंजाब के मालवा कस्बे में। कहते हैं कि मालवा यानी गैंगस्टरों का गढ़। इसी मालवा से पंजाब के कई बड़े बड़े डॉन और गैंगस्टर निकले हैं। इसी मालवा के पूरे क्षेत्र में उस वक्त गैंगस्टर सेरा कुब्बन की तुत्ती बोलती थी, उसके साथ जयपाल भुल्लर जैसे गैंगस्टर जुड़े थे। वहीं पंजाब में और एक गैंगस्टरों का गढ़ है, बोले तो दुआब का अखा क्षेत्र है, जहाँ जग्गू भगवानपुरिया, रोकी भाजिलका, सुखा कालो, लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों की हुकूमत चलती है। यहाँ एक बात है जो कोई नहीं जानता कि विक्की उसी मालवा के क्षेत्र से निकला था। तो विक्की जब मालवा में होता तब वो सेरा कुब्बन के लिए काम करता, जहाँ उसे हरजिंदर सिंह भुल्लर से जानते थे। वहीं जब वो दुआब क्षेत्र में आता तब सुखा कालो और उससे जुड़े गैंगस्टरों के साथ काम करता, जहाँ उसे विक्की गौंडर से जानते थे। लेकिन मालवा से ज़्यादा दुआब में उसके चर्चे खूब होते थे, क्योंकि वो सुखा कालो के साथ सभी वारदातों में सबसे आगे खड़ा रहता था। इधर वारदातों का दौर जारी था। 2008 का साल भी शुरू हो चुका था। सुखा को अपनी बचपन की गर्लफ्रेंड से शादी करनी थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि उसका बापू खूब अमीर था, वो शादी के लिए राजी ना था। उसने लड़की को ऑस्ट्रेलिया भिजवा दिया था। तब इसी विक्की गौंडर और दिलजीत बाना ने सुखा के वास्ते उस लड़की को मनाया और चोरी छुपे भारत बुलवाया और शादी करवाई। सुखा की शादी में सूबे के कई बड़े बड़े गैंगस्टर आए हुए थे, लेकिन इस शादी में वो लोग भी दिखे जिन्होंने कुछ ही समय पहले विक्की गौंडर को जलंधर में खूब पिटा था। विक्की ने जब उन लोगों को शादी में देखा, उसी दिन से वो सुखा से दूरियां बढ़ाने लगा, क्योंकि विक्की के दुश्मनों का सुखा की शादी में होना विक्की को राज नहीं आया। उसके मन में सुखा की दोस्ती पर कई सवाल खड़े हो चुके थे।
फिर सुखा का आलो शादी करने के बाद अपनी पत्नी को लेकर ऑस्ट्रेलिया चला गया। लेकिन वहाँ उसकी पत्नी के कैरेक्टर पर उसे शक हुआ, तो 2 साल के भीतर वह वापिस इंडिया आया। इंडिया लौटते ही उसने पूरी गैंग को फिर से खड़ा किया और वहीं लूटपाट मारामारी रंगदारी का धंधा शुरू कर दिया। लेकिन उस वक्त विक्की गौंडर मालवा क्षेत्र जा चुका था, उसेरा कुब्बन और जयपाल भुल्लर के साथ काम करने लगा था। सुखा ने उसे अपने साथ काम करने को बोला तो विक्की गौंडर और प्रेमा लाहौरिया ने सुखा को साफ शब्दों में कह दिया कि अब अपन लोग तेरे साथ काम नहीं करना चाहते। इधर सुखा को लगा कि लवली बाबा ने विक्की और प्रेमा को अपन के खिलाफ भड़काया है, तो कैसे भी करके वह लवली बाबा को सबक सिखाना चाहता था। और इसी मकसद के साथ सुखा कालो दिलजीत बाना समेत उसकी अक्की टोली जा पहुंची लवली बाबा के गांव में। उस वक्त लवली बाबा गांव के सरकारी स्कूल में बने जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। सुखा अपनी टोली के साथ जिम में घुस गया और लवली बाबा को खूब मारा पीटा। सुखा उसे मारने नहीं गया था, बस उसे डराना धमकाना था। लेकिन सुखा कालो अपना आपा खो बैठा और लवली बाबा के सिर पर वार कर दिया और लवली बाबा मारा गया। जब विक्की गौंडर को इस बात का पता चला कि सुखा ने लवली बाबा को मार दिया तो वो अंदर से टूट गया। उसने लवली बाबा की चिता पर कसम खाई कि वह लवली बाबा की मौत का बदला लेकर रहेगा। और फिर इसी बदले की आग में 21 जनवरी 2015 में सुखा कालो की हत्या कर दी जाती है। तो भाई लोग, सुखा कालो और विक्की गौंडर के बीच दुश्मनी की शुरुआत उसी दिन से हो चुकी थी जिस दिन सुखा की शादी में विक्की को मारने वाले लड़के दिखे। वहीं जब सुखा ने लवली बाबा को मारा, उस दिन से दुश्मनी में तो आग ही छलक गई। तो ये थी पूरी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।